बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो कॉजेज और रिस्क फैक्टर से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हार्ट डिजीजेज लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन बी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू एरिथमियाज, क्योंकि हार्ट फेलियर में हो क्या रहा होता है कि जब ओवरवर्क होने के नतीजे में हार्ट की जो मसल्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, तो जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे होते, तो वो जो कंडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है, प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज बीट्स होने में प्रॉब्लम होती है। दैट मे अल्टीमेटली लीड टू, अगर कुछ और भी एडिशनल फैक्टर्स मौजूद हो तो दैट मे अल्टीमेटली लीड टू द डिवेलपमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमियाज। ब्लड प्रेशर का जो इशू है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कॉज कर रहा है एरिथमियाज, वो वैसे ही है जिस तरह से कि हमने बात की कि ब्लड प्रेशर लीड्स टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड जो भी स्कीमिक हार्ट डिजीजेस हैं, तो उसके नतीजे में आगे जो है वो जाहिर सी बात है कि अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है तो उसके नतीजे में जो है वो आपके क्या कहते हैं एरिथमियाज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, एक और वजह भी है वो जो कहा जाता है कि जी हाई ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो चूंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसेस कॉज कर देता है, तो वो भी एक रीजन मेरे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस के नतीजे में एरिथमियाज कॉज हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका काम क्या है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे जाके, क्योंकि हमें मालूम है कि जो थायराइड हार्मोन है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम करता है और जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, तो जो पूरी बॉडी में ही जब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है तो स्पेसिफिकली कार्डियक मायोसाइट्स के साथ जो है वो इम्पोर्टेंट काम क्या करता है कि अगर ज्यादा हार्ट मतलब ज्यादा थायराइड की सीक्रेशन हो रही है हार्मोन की, तो वो क्या करता है कि इट गोज इन टू दी कार्डिक मसल्स। न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के बाद कार्डिक मायोसाइट प्रोटीन एक कंपोनेंट होता है उसकी इंक्रीज करा देता है, और जब कार्डिक मायोसाइट्स बढ़ते हैं तो कार्डिक जो मसल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है, दैट में और इसके अलावा कार्डियक हाइपरट्रॉफी भी होती है यानी कार्डियोमेगैली होती है। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो लीड करती हैं टुवर्ड्स फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके नतीजे में जो है वो हार्ट रेट बढ़ता है, अगर वो ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो एरिथमियाज कॉज कर सकते हैं। स्ट्रेस यूजुअली आपके सिंपथेटिक सर्ज कॉज करता है, ठीक है जी। जब सिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि अगर कोई भी चीज सिंपथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रही है तो वो क्या कर रहा है कि ऐसे नोड पे जाके टैकीकार्डिया करवा रहा है, और वो जो टैकीकार्डिया है वो अगर कंट्रोल हो जाता है तो एरिथमियाज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्कारिंग ऑफ द हार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। स्कार टिश्यू जो होता है, जो कि डेड टिश्यू होता है, उसके अराउंड क्या होता है कि आपके जो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो उसके अराउंड मूव कर जाती हैं, लाइक राउंड अबाउट के ऊपर जैसे मूवमेंट होती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है उसकी जगह पे राउंड अबाउट मूवमेंट्स होती हैं, और उसके नतीजे में एडिशनल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जो कि अनवॉन्टेड कॉन्ट्रैक्शन होती हैं एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एरिथमियाज। कार्डियोमायोपैथी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस मैंने आपको बताया कि मसल मास बढ़ जाए या मसल का साइज बढ़ जाए, दोनों सूरतों में कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो सकेगी, इधर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन आएंगी या स्लो कॉन्ट्रेक्शन आएंगी, इधर वे इट इज कार्डियक एरिथमियाज। रिसेंटली एक चीज ऐड हुई है कि आपके जो कोविड-19 से जो इन्फेक्शन हो रहा है दैट इज पुटिंग अ वेरी बिग प्रेशर ओवर द हार्ट, और उसकी वजह से भी जो है वो एरिथमियाज होने के चांसेस कहे जा रहे हैं। अभी ऑब्वियसली बिल्कुल नई नई कंडीशन है तो आप ये बिल्कुल इसके ऊपर स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि उनके पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो कि अपनी चेस्ट डिजीजेस की वजह से आ रहे होते हैं, कोविड की वजह से उनको जो इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है, तो वो जो चेस्ट कंडीशन है वो इतनी सिवियर होती है कि वो हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करना शुरू कर देती है। डीऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बढ़ावा होता है, तो वो जो ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी का जो टेंशन होता है वो हार्ट के ऊपर आ रहा होता है, ऊपर से लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन है वो भी हार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है,
तो ऑल टुगेदर जो है वो ईसीजी फाइंडिंग्स तो एबनॉर्मल हो रही होती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो चीज आगे कंटिन्यू करेगी तो उसकी वजह से हो सकता है कि हार्ट पे किसी ने इसका इफेक्ट देखा हो, जिसकी वजह से ये अभी जो बिल्कुल जो रिसेंट रिसर्च थी उसमें ऐड किया था कि COVID-19 मे बी द रिस्क फैक्टर ऑफ एरिथमियाज। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं टैकीकार्डिया के हवाले से, तो जो स्पेसिफिकली जो कॉजेज हैं जो टैकीकार्डिया कॉज करवा रहे होते हैं, उसमें हाइपोकैलेमिया है जो कि टैकीकार्डिया कॉज करवाता है। वजह उसकी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि पोटेशियम का काम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल को एंड अप करना। अगर पोटेशियम कम हो जाएगा तो सोडियम एंड कैल्शियम जो कि दोनों एक्साइटेशन का काम करवा रहे होते हैं वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, वो जो शिफ्ट है वो टूवर्ड्स ही पॉजिटिव साइड चला जाएगा, यानी एक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा फोर्सफुल हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द रिलैक्सेशन फेज एंड द हाइपर पोलराइजेशन फेज। ठीक है जी, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन पे हम काफी देर से बात करें कि सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो टैकीकार्डिया करवाता है। पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एजेंट्स अगर आप दे रहे हैं जिनकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है दैट विल अल्टीमेटली लीड टू अ कंडीशन व्हिच इज एरिथमिया। एसिडोसिस का जो कंडीशन है कि एसिडोसिस की वजह से जो है आपका टैकीकार्डिया या एरिथमिया होता है, उसकी वजह ये है कि एसिडोसिस जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी इंक्रीज करती है। अच्छा, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है, और इन दोनों कंडीशंस को ऑल्टर करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है बायरोसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से। ठीक है जी, ताकि बीपी को इंक्रीज किया जा सके, लेकिन उसके नतीजे में वो जो हार्ट रेट बढ़ रहा होता है अगर वो 120-100 से अबव चला जाए तो दैट विल बी अ टैकीएरिथमिया। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एसिडोसिस जो है वो टैकीकार्डिया करा रहा होता है। ब्रैडीएरिथमिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जैसे हाइपोकैलेमिया जो है वो टैकीकार्डिया कॉज करा रहा था, तो हाइपरकैलेमिया ऑब्वियसली क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रिपोलराइजेशन का फेज है और जो हाइपरपोलराइजेशन डीप होगी तो रिवाइवल टुवर्ड्स द बेसलाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी और नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका हार्ट जो है वो काफी स्लो काम करेगा। वेगल स्टिमुलेशन, हमें मालूम है कि पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन हमेशा जो है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, तो अगर एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन हो रही है तो उसके नतीजे में हार्ट रेट डिक्रीज होगा। एसिटाइल कोलीन क्योंकि मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वेगल स्टिमुलेशन मतलब वेगल स्टिमुलेशन या पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो एसिटाइल कोलीन को अगर एज अ ड्रग भी दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उसका उसका भी रिजल्ट यही आएगा। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं बेसिकली बीटा एगोनिस्ट जो हैं वो एड्रिनर्जिक जो हॉर्मोन्स हैं उनकी वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है, तो अगर ब्लॉकर्स देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके नतीजे में उल्टा इफेक्ट आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि एरिथमिया होता कैसे, ये काफी बड़ी और काफी तफसील तलब किस्म की जो है वो क्या कहना चाहिए स्लाइड है। इसके हवाले से हम थोड़ा थोड़ा करके बात करते जाएंगे। तो डिस्टरबेंस ऑफ द इम्पल्स फॉर्मेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटी है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और उसके नतीजे में किसी भी किस्म की कार्डियो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है। ट्रिगर्ड एक्टिविटी में जो डिपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो अगर तेजी के साथ होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से हम इसको जो है वो इम्पल्स फॉर्मेशन की डिस्टरबेंस कहते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो एक अपस्ट्रोक आ गया। ठीक है जी, अब अपस्ट्रोक आने के बाद उसूली तौर पे एक जो नॉर्मल जो तरीका कार है वो क्या है कि बेसलाइन, बेसलाइन से डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन का स्टार्ट, और फिर यहाँ पे आके एक प्लेटू आ रहा है जो कि कैल्शियम चैनल की वजह से आ रहा है, और फिर रिपोलराइजेशन और कभी कभी हाइपर पोलराइजेशन, यानी जो आपकी जो बेस लाइन है उससे भी नीचे आपका ग्राफ जाएगा, फिर वापस से रिवाइवल होगा और फिर उसके बाद फिर एक्शन पोटेंशियल आएगा। अब उसकी जगह अगर आपका जो है वो प्लेटू फेस के ऊपर या किसी भी लेवल के ऊपर जो डिपोलर जो रिपोलराइजेशन है उसके किसी भी लेवल के ऊपर अगर डिपोलराइजेशन हो जाती है तो फिर हम इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, डीले अर्ली अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, यानी के आफ्टर डिपोलराइजेशन से मतलब क्या है कि डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद दोबारा से एक और डिपोलराइजेशन आ रही है। ठीक है जी,
अर्ली से मुराद क्या है कि से फॉर एग्जांपल आपका प्लेटू था, प्लेटू के दरमियान में या रिपोलराइजेशन के स्टार्ट पर ही दोबारा से एक और एक्शन पोटेंशियल आ गया, यानी नीचे आने के बजाय, बेसमेंट को लगने के बजाय ये ऊपर वापस और फिर वापस, फिर दोबारा, फिर उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, यानी दो चार जो है वो छोटी छोटी जो डिपोलराइजेशन की वेव्स आने के बाद फिर जो है वो आपका हार्ट जो है वो रेस्ट पर आ रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर कॉन्ट्रेक्शन फिर ये दोबारा कॉन्ट्रेक्शन फिर ये दोबारा कॉन्ट्रेक्शन, तो ऑब्वियसली ये एरिथमिक कंडीशन हो गई। ठीक है जी, इसी तरह से अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन यहाँ पे इस तरह से भी निकल सकती है, अगर सस्टेन्ड एक्टिविटी आ रही है और वो कंटिन्यूसली ट्रिगरिंग हो रही है तो उसके नतीजे में इस तरह की जो एक्टिविटी आएगी इसको आप कहते हैं अर्ली। अर्ली से मुराद क्या है, फॉरन ही, यानी अभी रिपोलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ ही था या बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में था तब जाके जो है आपकी ये डिपोलराइजेशन हो गई। उसके मुकाबले में डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन जो है उसमें क्या है कि जी आपका पार्ट ऑफ द रिपोलराइजेशन फेज कंप्लीट हो चुका, बट बिफोर टचिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को टच करने से पहले पहले दोबारा से एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन टच नहीं हुई, या बेसमेंट मेम्ब्रेन ना कहें तो आप बेसलाइन कह लें, बेसलाइन का टच ना हो रही हो और दोबारा से जो है वो फौरी तौर पे एक और पोटेंशियल जनरेट हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, यानी आप देखें कि जो आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रीच नहीं हो रहा, उससे पहले पहले दोबारा से डिपोलराइजेशन हो रही है। दिस इज नोन एज डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन, दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिपोलराइजेशन बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन दिस काइंड ऑफ डिपोलराइजेशन टेक्स प्लेस, तो इसको जो है हम डिलेड हाइपर आफ्टर डिपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी जो है इंपल्स फॉर्मेशन की डिस्टर्बेंसेस हो गई, इंपल्स कंडक्शन की जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी अच्छी खासी प्रॉब्लमेटिक हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि आपके लिए ये इतना, मतलब इतनी डिटेल जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आप बेसिकली आप किस चीज को ट्रीटमेंट करने के लिए उसका इलाज फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो ब्लॉक होता है अगर हम बात करें तो सिवियरली डिप्रेस्ड कंडक्शन को हम ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यूजुअली ये होती है कि जो आपका जो हार्ट ब्लॉक होता है वो ऐसे नोड के ऊपर तो नहीं होता, ऐसे नोड से तो इम्पल्स जनरेट हो जाती है। ठीक है जी, यूजुअली आपके पास जो ब्लॉक्स आ रहे होते हैं यानी जो बिल्कुल ना होने के बराबर कंडक्शन आ जाती है वो यूजुअली कहाँ पर आ रही होती है, या तो आपके एवी नोड के ऊपर आती है यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के ऊपर आती है या फिर बंडल ऑफ हिस्ट के ऊपर आती है। एवी नोड के ऊपर आती है तो एवी ब्लॉक कहलाता है, अगर बंडल ब्रांच यानी आगे जाके बंडल ऑफ हिस्ट से भी आगे जाके, मैं आपको उसको ड्रॉ करके दोबारा बता दूं, हो सकता है आपको दिमाग में थोड़ा सा याद ना हो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जो शुरू की जो बिल्कुल जो वीडियोस हैं वो अगर आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ कि से फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और यहाँ पे ये एवी नोड है, ये राइट चेम्बर है, ये लेफ्ट चेम्बर है, यहाँ पे एवी नोड है, एवी नोड के बाद आता है बंडल ऑफ हिस, फिर राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब आपकी जो है से फॉर एग्जाम्पल अगर इस जगह पर आपका ब्लॉक हो रहा है तो ये एवी ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है जी, और अगर बंडल ब्रांच के ऊपर जाके कंडक्शन का ब्लॉक हो रहा है तो ये फिर बंडल ब्रांच ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब इसकी वजह से जो डिफरेंट ईसी चीज होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, एवी ब्लॉक के अलग होंगे, बंडल ब्रांच के अलग होंगे, बट अगेन वो आपके या मेरे समझने की चीज नहीं है, वो थोड़ा सा आगे एडवांस जो वो जो होते हैं स्पेसिफिकली जो स्पेशलाइज कर रहे होते हैं उनको उसमें ईसीजी की जो चेंजेस है वो काफी बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। अच्छा, इसके बाद ये इनकम्प्लीट ब्लॉक में क्या है कि आपको जो है वो एट्रिया की अलग कॉन्ट्रेक्शंस मिलेंगी, वेंट्रिकल्स की अलग थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी बहुत सिंक्रोनाइजेशन होगी, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे आपको जो है वो ईसीजी की जो 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 फिगर्स हैं वो डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्लीटली
कहना चाहिए कि अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसमें एट्रिया बिल्कुल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वेंट्रिकल्स बिल्कुल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. किसी भी किस्म का कोई भी इनके अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं मौजूद होता. पी वेव्स अलग आ रही होती हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस या टी वेव्स जो होती हैं वो अलग आ रही होती हैं. इवन कभी कभी तो ये होता है कि वेव्स की जो डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि पी वेव कौन सी है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कौन सा है, टी वेव कौन सी है, पता ही नहीं चल रहा होता है, इतनी अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है. अच्छा, अब यहाँ पे एक जो कंडीशन है जो स्टोक्स एडम अटैक कहलाता है या स्टोक एडम सिंड्रोम कहलाता है, ये एक सडन अटैक है जिसमें अनकोऑर्डिनेटेड कार्डियो कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में ब्रेन को फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती, और उस ब्लड सप्लाई के ना मिलने के नतीजे में फेंटिंग का अटैक आता है. पेशेंट जो है वो फॉर फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स जो है वो बेहोश होता है, और जैसे ही ब्रेन को ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है वो होश में आ जाता है. सो दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज स्टोक एडम अटैक. और अगेन यूजुअली ये आपकी जो एरिथमियाज के नतीजे में जो आपकी जो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं उसके नतीजे में होता है. यूजुअली इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें ये होता है कि आपको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ रहा होता है ताकि वो जो है आपकी मूवमेंट्स को जो है वो कोऑर्डिनेटेड कर सके. पेसमेकर कैसे लगता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के अंदर. ओके जी, इसके बाद फिर आपके पास एक और जो मैकेनिज्म आता है, नहीं इससे पहले सॉरी हम एक चीज मैं बताना भूल गई आपको कि आपके जो ये वाला जो ब्लॉक है जो बंडल ब्रांच ब्लॉक है उसको हम यूजुअली या जो आपका जो मतलब इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक है एवी ब्लॉक या बंडल ब्रांच ब्लॉक उसको हम डिग्रीज में थोड़ा सा कैटेगराइज कर रहे होते हैं कि देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ ब्लॉकेज. यानी ये वाला जो ब्लॉक है इसकी तीन तरह की डिग्रीज होती हैं. आई एम सॉरी, ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. अच्छा जी, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि जी कंडक्शन थोड़ी सी स्लो हो गई है, हो रही है बट स्लो हो गई है. सेकेंड डिग्री के ऊपर क्या होता है कि सुप्रा वेंट्रिकुलर एरियाज जो हैं उनमें, यानी कुछ जो मैंने आपको कल भी बताया था, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिया से मुराद क्या है कि ये वेंट्रिकल है, एवी नोड से नीचे जो भी कंडक्शन आ रही है वो एवी मतलब वेंट्रिकुलर कंडक्शन है, और इससे ऊपर यानी एट्रिया जो है वो सुप्रा वेंट्रिकुलर एरियाज कहलाते हैं. तो आपका जो सेकेंड डिग्री ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या होता है कि सम सुप्रा वेंट्रिकुलर एरियाज डू नॉट शो कंडक्शन, अदरवाइज मतलब वीक कंडक्शन आती है सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिया में. जबकि थर्ड डिग्री जो होता है हार्ट ब्लॉक जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल भी सुप्रा वेंट्रिकुलर एक्टिविटी नहीं आ रही होती, यानी आपको पी वेव्स तो बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं. ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस होंगे लेकिन वो भी थोड़े मतलब टेढ़े मेढ़े होंगे. लेकिन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक पे फिर क्या होता है कि ना तो सुप्रा वेंट्रिकुलर एक्टिविटी आ रही होती है ना वेंट्रिकुलर एक्टिविटी आ रही होती है, यानी कंप्लीटली एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो अनकोऑर्डिनेटेडली अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कभी कर रहे होते हैं कभी नहीं कर रहे होते हैं, स्लो एंड मतलब कभी स्लो कभी फास्ट, जैसे भी जिस तरह की भी कोई कंडक्शन उसको मिल जाती है वो वैसे ही अपना काम कर रहा होता है. जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है आपके पास वो है री एंट्री मैकेनिज्म ब्लॉक के बाद. ठीक है, हम इंपल्स कंडक्शन के हवाले से ये पहला था ब्लॉक, ठीक है, री एंट्री सेकेंड है. अच्छा, री एंट्री का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर दोबारा से एंटर होना. इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ. अच्छा, इसमें जो है वो एक मिनट ठहर जाए जरा, ये थोड़ा सा हाँ हम बात कर रहे हैं, मैं आपको एक जो पिक्चर दिखाना चाह रही थी री एंट्री के हवाले से, ये देखिए
ये एक दो तरीके से रीएंट्री हो रही होती है. एक तो एनाटॉमिकल रीएंट्री का मैकेनिज्म है, यानी आपकी जो वेव है, जो जो आपकी जो कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है, उसकी जो वेव है वो एनाटॉमिकली एक एबनॉर्मल पाथ उठा लेती है और वो उसी के ऊपर काम कर रही होती है. दूसरी फंक्शनल रीएंट्री का मैकेनिज्म है, वो आगे पढ़ेंगे. तो ये एनाटॉमिकल रीएंट्री है, किस तरह से होता है कि ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, एस ए नोड है, ये ए वी नोड है, बंडल ऑफ हिस है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस हैं जो कि येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है. ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है. अब इसमें क्या होता है कि एक एडिशनल लूप बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि ऊपर से कमांड आने पर ये वाली कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एडिशनल एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन दे रही होती है, और यूजुअली लेफ्ट हार्ट में दे रही होती है, तो इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है. इस कंडीशन को हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइफ सिंड्रोम, ठीक है जी. यानी ये कहलाता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें एनाटॉमिकली एक एडिशनल लूप बन जाती है, कॉन्ट्रैक्शन लूप बन जाती है, और वो एडिशनल कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड कर रही होती है हार्ट की एक्टिविटी के दौरान, ठीक है जी. उसके बाद फिर हमारे पास आती है फंक्शनल, जो हम बात कर रहे थे फंक्शनल रीएंट्री का मैकेनिज्म है. उसमें क्या है कि ये नॉर्मल कंडक्शन मैकेनिज्म है, यहाँ से आपकी कंडक्शन आ रही है, यहाँ पे जो भी डिविजन्स हैं वहां पे डिवाइड करेगी और यहाँ पे आके इस पूरे एरिया को कंप्लीट कर देगी, ताकि यहाँ पे कंडक्शन कंप्लीट हो सके. यहाँ से आगे जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जाएगी, ताकि ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ दी कार्डियक मसल गेट्स एक्साइटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म. अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जगह पे आ गया है एक अदद ब्लॉक, और उस ब्लॉक के नतीजे में क्या हो रहा है, कंडक्शन आई, यहाँ आई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ से ये वाली जो कंडक्शन है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन नहीं जा रही है, तो ये वाली कंडक्शन स्ट्रांग हो गई. यहाँ आने के बाद थोड़ी सी आगे निकल गई और थोड़ी सी वापस इस पोर्शन में घुसने की उसने कोशिश की, ताकि यहाँ कॉन्ट्रेक्शन, तो ये यहीं पे एक सर्किटरी फोर्स थोड़ी वापस चली जाएगी, लेकिन थोड़ी फिर से इसी सर्किटरी फोर्स में घूमना शुरू कर देगी. तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअली कुछ कुछ जो है वो पॉकेट्स बन जाएंगे जहां पे एडिशनल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होंगी. ये यूजुअली एरिथमियाज के अंदर ये कंडीशन हो रही होती है, ठीक है जी. अच्छा, वापस बैक टू आवर स्लाइड. तो ये जो है री एंट्री का मैकेनिज्म है. जो थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड जो कंडीशन है, इसके अंदर आपके पास आ जाता है एक्टोपिक पेसमेकर. एक्टोपिक का मतलब होता है क्या कहना चाहिए, एक्टोपिक यूजुअली हम कह रहे होते हैं फेक, फॉल्स या अल्टरनेटिव, ठीक है जी. तो यहाँ पे एक्टोपिक पेसमेकर उस वक्त बनता है जब यूजुअली ऐसे नोड जो है इट डू नॉट मेंटेन दी नॉर्मल कार्डिक पेस, ठीक है जी. या तो डिजीज हो जाता है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं हो रहे होते. जब ऐसा हो तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कंडक्टिंग सिस्टम के, दे हैव द केपेबिलिटी टू एक्ट एज पेसमेकर्स. तो चूंकि एक्चुअल पेसमेकर ऐसे नोड है, उसके अलावा किसी और जगह पे कोई सा भी ऐसे नोड बन मतलब कोई सा भी पेसमेकर बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्टोपिक एक्टिविटी हो रही है, यानी अपनी जगह से हट गया, जो नॉर्मल स्पेस थी उसकी जगह कोई और जो है वो अल्टरनेटिवली वो काम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप एक्टोपिक पेसमेकर एक्टिविटी कहते हैं. अगर उसमें से फॉर एग्जाम्पल ऐसे नोड खराब हो गया है, तो आपका एवी नोड टेक ओवर कर लेगा. अब हमें मालूम है कि ऐसे नोड का जो रेट है, यूजुअल जो रेट है, वो 72 बीट्स पर मिनट के ऊपर मेंटेन करना है हार्ट रेट को. रेंज चलती है फ्रॉम 6 to 6200 बीट्स पर मिनट की, ठीक है जी. सो अब ये जो बेसिकली जो चीज है एवी नोड जो 60 बीट्स पर मिनट के ऊपर मेंटेन करता है उस चीज को, ऑब्वियसली रेंज आगे पीछे हो सकती है, प्लस माइनस 10 का तो हमेशा से एक हिसाब किताब रखा जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 50 से लेके 70 बीट्स पर मिनट तक पर मेंटेन करता है कार्डियो कॉन्ट्रैक्शन को. एवी नोड भी खराब हो जाए से फॉर एग्जाम्पल, तो बंडल ऑफ हिस टेक ओवर कर लेता है. और बंडल ऑफ हिस जो है वो 45 बीट्स पर मिनट यूजुअली प्लस माइनस 10 का आप हिसाब रख लें, यानी रेंज करेगा 65 से लेके 35 बीट्स पर मिनट के अंदर जो है वो आप के कार्डियक एक्टिविटी को मेंटेन करता है.
अगर तो वो भी खराब हो जाए और परकिंजी फाइबर्स की बात आ जाए, तो परकिंजी फाइबर्स जो है 30-15 बीट्स पर मिनट के ऊपर जो है वो कार्डियक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हो सकता है कि एरिदमियाज में ये जो दो मैकेनिज्म्स हैं, इधर इनसे एरिदमिया हो इंडिविजुअल, यानी खाली इम्पल्स फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आ रही हो उसकी वजह से, या इम्पल्स कंडक्शन का एबनॉर्मैलिटी है उसके नतीजे में आपके एरिदमियाज कॉज हो रहे हो। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मैकेनिज्म्स, और दोनों के कॉम्बिनेशन के नतीजे में भी एरिदमियाज कॉज हो सकते हैं। अच्छा जी, साइंस एंड सिम्टम्स के हवाले से बात करते हैं, तो फ्लटरिंग चेस्ट सेंसेशन, यानी एक फड़फड़ाहट सी चेस्ट में फील हो रही होती है, लाइट हेडेडनेस है, डिजीनेस आ रही होती है क्योंकि ब्रेन को ठीक से जो है वो मिल नहीं रही होती, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है, तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। पेशेंट बिकम स्वेटी, बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं पेशेंट को, ठीक है, और यूजुअली जो है वो पेशेंट जो है वो ठंडा महसूस कर रहा होता है, यानी पसीना जो है वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो रहा होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है उसके नतीजे में, क्योंकि हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, तो ब्लड सप्लाई बॉडी को नहीं जा रही है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, ऑल टुगेदर उसके नतीजे में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। चेस्ट पेन होता है, अगर एंजाइना का पेशेंट है तो उसमें उसको चेस्ट पेन भी होगा और पेशेंट विल बी वेरी टायर्ड। यही तमाम सिम्टम्स जो है हमने नोटिसेबल जो सिम्टम्स हैं ये आ गए हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर अदर सिम्टम्स में ये है कि पेशेंट को जो है वो खौफ महसूस होगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा थकन, लाइट हेडेडनेस हो गया, स्वेटिंग हो गई, फेंटिंग हो सकती है कभी कभी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके, हमने बात की थी कि हार्ट फेलियर इज रिलेटेड टू क्लोजली रिलेटेड टू एरिदमिया, लेकिन अगर पेशेंट को पहले से एरिदमिया नहीं, पहले से हार्ट फेलियर नहीं है, तो एरिदमियाज को अगर आपने प्रॉपरली मैनेज कर लिया और पेशेंट का हार्ट चूंकि ऑलरेडी वीक है, तो उसके नतीजे में इन द लॉन्ग रन इनइफेक्टिव पंपिंग ऑफ द ब्लड के नतीजे में, और जो टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया कंटिन्यूसली हो रही है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं बॉडी को सप्लाई हो पा रहा, तो वो कंडीशन में हार्ट फेलियर डिवेलप हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हार्ट फेलियर से बचाना है तो एफिशिएंट एरिदमिया की ट्रीटमेंट होना जरूरी है, वरना उसके बगैर जो है वो हार्ट फेलियर को आप ट्रीट नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा होता है, तो एक जो प्रेशर बिल्डअप होना होता है आपके वैस्कुलर सिस्टम के अंदर, वो नहीं बिल्डअप हो रहा होता, और उसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड जो है वो स्टेसिस की तरफ जाता है, तो क्लॉट फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इंटरनली, बगैर किसी समझ लें कि किसी ऑब्वियस इंजरी के बगैर भी क्लॉटिंग का जो कैस्केड है या जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके नतीजे में क्या है, ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस का जो प्रोसेस होता है। अब वो थ्रोम्बाई जो है वो कभी कभी जब डिटैच होकर सर्क्यूलेट करना शुरू करते हैं, तो वो एम्बोलाइड अटैच एम्बोलिज्म बन जाता है। एम्बोलाई जो है वो ज्यादातर जो भी माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बाकी के ऑर्गन्स में तो चलो कोलेट्रल सर्कुलेशन से फायदा हो जाता है, लेकिन ब्रेन चूंकि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का टिश्यू है, तो वहां पे जरा सी भी प्रॉब्लम जो है वो काफी मेजर आउटकम के फॉर्म में आती है, एंड दैट यूजुअली लीड्स टू ब्लॉक इन द ब्रेन ब्लड सप्लाई, जो कि फिर अल्टीमेटली जो है वो सिम्टम्स लाता है स्ट्रोक के, यानी पैरालिसिस वगैरह। अब वो कौन कितने लेवल का ब्लॉक हुआ है, वेसल कौन सा एरियास अफेक्ट हुआ है, उसी से रिलेटेड फिर सिम्टम्स आएंगे स्ट्रोक के। ठीक है, यानी से फॉर एग्जांपल आधा हाफ ऑफ द अपर लिम्ब भी हो सकता है, फुल अपर लिम्ब भी हो सकता है, बहुत दफा ऐसा भी हुआ, क्वाड्रिप्लीजिया भी हो गया, यानी चारों लिम्ब्स अफेक्ट हो गई, साथ में चेहरा भी अफेक्ट हो गया, या खाली चेहरा अफेक्ट हुआ, जिसको हम जो है वो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक भी कहते हैं, यानी लकवा वगैरह जो हो जाता है वो भी हो सकता है। सो मल्टीपल माइराइड ऑफ सिम्टम्स डेवलप बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ स्ट्रोक। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराई जाती हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि एरिदमिया है और किस तरह से आप उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे।
ठीक है जी, सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट कराएंगे, थायराइड लेवल्स चेक कराने जरूरी हैं, पोटेशियम लेवल्स चेक कराने जरूरी हैं जो कि इंक्रीज करते हैं अरिथमिया के रिस्क को। कार्डिक कैथेटराइजेशन कराएंगे ताकि आप चेक कर सकें कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं हार्ट के अंदर। एक्सरे चेस्ट कराएंगे, आपको हार्ट फेलियर को रूल आउट करना है वरना हार्ट बड़ा हुआ होगा उसके लिए आप चेक करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी करेंगे वो जो आपको बता सकेगा कि जी अगर तो फॉर एग्जाम्पल अरिथमिया है तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं, हार्ट का शेप क्या है, साइज क्या हो चुका है, वर्किंग कर रहा है सही से या नहीं कर रहा। ईसीजी से आपको हार्ट का रिदम पता चल जाएगा, वेव्स ऊपर नीचे हो रही हैं नहीं हो रही हैं वो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा एक ये चीज आई है कि इवेंट मॉनिटर है, ये बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है और ये 1 से 2 दिन तक लगा के देखा जाता है कि हार्ट का जो प्रॉपर रिदम है वो क्या रहा है पूरे टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे क्या है क्या नहीं है, पेशेंट के साथ लगा के उसको भेज दिया जाता है और वो फिर रिकॉर्डिंग हो जाती है। उस रिकॉर्डिंग को बाद में देख लिया जाता है, ईसीजी की रिकॉर्डिंग होती है पूरा दिन पूरी रात, किस टाइम पे आपकी हार्ट की एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो तमाम चीजों का पता चल सकता है इसके अंदर। ठीक है जी। अब नॉर्मल हार्ट रिदम जो है वो हो जाते हैं और आपको मालूम हो जाता है। अच्छा जी, स्लीप स्टडी की जाती है ताकि पता चल सके कि स्लीप में जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी तो हो रही है या नहीं हो रही है। एक्सरसाइज टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि पता चले कि हार्ट जो है वो कितना जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को बर्दाश्त कर सक रहा है और कितना नहीं बर्दाश्त कर सक रहा। इसके अलावा ये जो टेबल का जो टेस्ट है उसमें ये कि आप पेशेंट को जो है वो बेल्ट के साथ बांध के टेबल पे सुपाइन पोजिशन में जो है वो लिटा दिया जाता है टेबल के ऊपर और उसके बाद फिर टेबल को टिल्ट करके सीधा कर दिया जाता है। तो पोस्टुरल हाइपोटेंशन आमतौर पे अरिथमिया के पेशेंट्स में ज्यादा होती है, तो जब आपका एकदम से तेजी के साथ आपको सीधा किया जाएगा बैठे बैठे लेटे से और सीधा किया जाता है तो उसमें ब्लड जो प्रेशर है वो भी फॉल होता है और ब्लड जो है वो बॉडी से नीचे की तरफ चला जाता है तो इंस्टेंट फेंटिंग हो सकती है। तो वो पेशेंट क्योंकि आप पूरे लिपटे हुए हैं सारे तो उसमें गिरने के चांसेस कम होते हैं लेकिन उससे सिम्टम का अंदाजा हो जाता है। अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं ताकि सस्पेक्ट कर सकें कि फीटल एरिदमिया तो नहीं है। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद फिर जो मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरह की है कि आपके पास फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज हैं जिसमें क्लास 1 से लेकर 4 तक एंटी एरिदमिक एजेंट्स हैं। उसके बाद फिर इनवेसिव मैनेजमेंट करवाई जाती है अगर आपकी जो है वो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो है वो काम नहीं कर रही है। अगर इनवेसिव मैनेजमेंट नहीं हो तो फिर उससे भी फायदा ना हो रहा हो तो उसके बाद फिर आपके पास आखिरी चॉइस जो होती है वो डिवाइसेस होते हैं कि आप वो डिवाइसेस लगा दें और उनसे जो है वो एरिदमियाज को कंट्रोल किया जा सके। सो दिस वॉज फॉर नाउ, आज के लिए इतना। और अब इसके बाद जो है आगे हम इसकी जो मैनेजमेंट है उसको एक एक करके पढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।